हेलो बच्चों, आज जो है हम रिसर्च के पेपर के अंदर एक टॉपिक है जिसके अंदर हम केंद्रीय प्रवृत्तियों का माप निकालते हैं, या एक साधारण भाषा में यदि मैं आपको कहूँ तो आपको जो है माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीन चीजें, और यदि हम इसको इंग्लिश में बात करें तो हम इसमें निकालते हैं मीन और मीडियन, जिसको हम माध्यिका कहते हैं, ठीक है, और मोड। ये जो है आपके एग्जाम के अंदर विशेष रूप से आते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि मीन मोड मीडियन आखिर होता क्या है। यदि सिंपल हम बोलें कि मीन मोड मीडियन है क्या, तो देखिए आज किसी भी चीज को यदि हम कहें कि एक सिंपल तरीके से जैसे रिसर्च करते हैं, और मैंने आपको बोला है कि ये रिसर्च में सबसे बड़ा काम में आने वाली चीज है, तो यदि हम इसको करेंगे तो हम बहुत सारे डाटा कलेक्शन करते हैं, और उन डाटा कलेक्शन को बहुत सारे क्योंकि हमारे पास डाटा इकट्ठे हो जाते हैं, तो अब हम उनको कैसे शॉर्टकट मेथड में लाएं, तो उसके अंदर हमें समांतर माध्य या माध्यिका, तो उनको इसका हमें यूज करना होता है। यदि हम कहें कि रिसर्च के अंदर इसका क्या उपयोग होता है, तो रिसर्च के अंदर जो हमारे आंकड़े होते हैं, जिसको हम आंकड़े कहते हैं, और या यूं कह दीजिए कि हम डाटा कलेक्शन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो वो डाटा कलेक्शन के अंदर हमारे मीन, मीडियन और मोड काम में आते हैं। तो हमारा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए आपको सीधे तरीके से समझाती हूँ कि यदि हम सामाजिक रिसर्च के अंदर या अनुसंधान के अंदर जो बहुत सारे आंकड़े हम इकट्ठे कर लेते हैं, तो हम उसमें से किसी एक पर निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आंकड़े हमारे पास ज्यादा होते हैं, डाटा हमारे पास ज्यादा होते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि उन तथ्यों को या आंकड़ों को हम या तो वर्गीकरण कर लेते हैं, ठीक है, या तो हम वर्गीकरण कर लेंगे, या जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, और या फिर हम उनका सारणियन कर लेंगे, ठीक है। सारणियन मतलब उनको टेबल में लगा देंगे हम, ठीक है, तो टेबल बना लेंगे। तो इसके बाद भी हम क्या करते हैं कि उनको यदि इजी बनाना है तो या हम डायग्राम बनाते हैं या हम ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है कि बहुत बड़े आंकड़ों को जब हम छोटे लेवल पर दिखाते हैं तो उसको हम यू कह दीजिए कि डाटा कलेक्शन या केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन के अंदर लेते हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो मीडियन की बात करेंगे, या उसको हम हिंदी में यदि बोलें तो उसको हम माध्यिका बोलेंगे। मध्यांक भी कहीं कहीं आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, तो आप चीज एक ही है, आप उसको इंग्लिश में ध्यान रखिएगा कि वो मीडियन है। अब मीडियन क्या होता है, तो मीडियन क्या होता है, किसी भी एक पद श्रृंखला होती है या समंक माला। समंक माला क्या होती है, अंकों की माला। अब समंक माला क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समंक माला है, ठीक है, इसको हम अंकों की माला भी कह सकते हैं। तो इसका वो एक केंद्रीय बिंदु होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये बराबर इधर हो गए, 1 2 3 4 ये इधर बराबर हो गए, तो हमारा बीच का केंद्रीय माप क्या है, 5, तो ये क्या है हमारा माध्यिका कह सकते हैं हम। तो मतलब माध्यिका या मीडियन जब भी होगा उसमें बिल्कुल बराबर भागों में वो उसको बांट देगा, ठीक है। अब हम इसके सिंपल मैथ के जो विशेष रूप से आपके आते हैं एग्जाम के अंदर उसकी हम बात करेंगे। तो सिंपल यदि एक छोटी सी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लीजिए हमने एक सवाल किया है और उस सवाल के अंदर हम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इधर हमने लिख लिया क्रम संख्या, ये बहुत सिंपल मेथड बता रही हूं मैं आपको, ठीक है, और क्रम संख्या ले ली हमने, और इधर हमने मान लीजिए आयु ले ली, एज ले ली हमने। तो अब क्रम संख्या हम ले रहे हैं 1 2, 7 लोगों की हमें आयु निकालनी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हो गए, और इधर इनकी आयु है जो 1 वाला है उसकी 13 वर्ष है, फिर 14 हो गई, फिर 15 हो गई, और फिर 15,
फिर 17, 19 एंड 23, 4, 5, 6, 7 इधर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें मीडियन निकालना है। एक सिंपल मेथड में मैं बता रही हूं, इसका एक सूत्र होता है बच्चे, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। उसमें हम क्या करेंगे, m बराबर साइज ऑफ, अब यहां पर हम n प्लस 1/2, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे, m मतलब होता है माध्यिका और n बराबर होता है n को हम लेंगे नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में हम डालते हैं तो m इज इक्वल टू साइज ऑफ, आपको एज इट इज लिखना है, और उसके बाद n कितना है, क्रम संख्या हमारी कितनी है, 7, ठीक है। तो हमने यहां पर 7, फॉर्मूला से आगे हम 1/2, ठीक है। और अब क्या हो गया इसका, 7+1 8/2, 4 आंसर आ गया, ठीक है। तो 4 जो है इसका माध्यिका है, ठीक है। ये जो 4 है वो इसकी माध्यिका, ये एक सिंपल तरीका है माध्यिका निकालने का। जब आपके ये जो क्वेश्चन आएगा, ये आपके या तो 7 नंबर का आ सकता है या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वहां पर आएगा एक सिंपल तरीके से, आपको क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से जो है आपको उसके अंदर डालना है कि हमें हमारा क्वेश्चन का नंबर क्या कह रहा है, और उसी क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से आपको इसमें डालनी है। तो ये एक सिंपल मेथड हो गया। अब हम एक और मेथड की चर्चा करेंगे कि वो जो मेथड है वो भी बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, जो एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। यदि हम माध्यिका ज्ञात करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ मूल्यों के बारे में हम बात करते हैं, तो उस मूल्यों के अंदर जैसे हमने इधर लगा दिया एक्स और इधर लगा दिया एफ, एफ को जो है हम फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी एफ मतलब, और एक्स मतलब होता है उस पद का मूल्य, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं x पे, एक आपको सवाल डाल देती हूं, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, सिंपल लिख लेते हैं अपन, 9, 10, 21, 27, 21, 6, 4 एंड 2, ठीक है। ये आपको इतना सवाल आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हम इसकी जो है हमें इसका मीडियन निकालना है। एक सिंपल मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था, एक दूसरा मेथड जो है वो मैं आपको अब बता रही हूं। अब हमें इसका क्या है, सी एफ निकालना है। एक्स मतलब मूल्य हो गया, फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती हो गया, ठीक है। और इसको हम सी को लेंगे संचयी आवर्ति, संचयी आवर्ति, ठीक है। अब हमें इसका सीएफ निकालना। अब सीएफ कैसे निकालना है, देखिए बच्चे, सबसे पहले 9 का हमें फ्रीक्वेंसी से सीएफ निकालना है, तो 9 का 9, ठीक है। अब 9 को हम 10 से प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19। अब 19 को हम 21 से प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14। फिर 40 को अपन 27 से फिर प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 67। फिर हमारा 67 को हम 21 से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 81। ऐसे प्लस करते जाइएगा, और प्लस करते करते जैसे 81 हो गया, फिर 94 हो गया, फिर 98 हो गया, और लास्ट में हो गया 100, ठीक है। तो ये 100 जो है वो हमारा क्या आ गया, n, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये हमारा 100 आ गया। अब वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर साइज ऑफ, वही हमारा जो फार्मूला है, n प्लस 1 इज इक्वल अपॉन 2
अब जो है हम बात करते हैं, अब हमारा n कितना आया था, n हमारा आया था 100 प्लस फॉर्मूला में जो है 1/2, ठीक है। अब ये जो है हमारा कितना हो गया 100, इसको यदि हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो गया 101/2, ठीक है। इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50.5, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारा 50.5 कहां पर है। अब हमें 50.5 हमें कहां पर देखने को मिलेगा, 50.5 जो है हमें अपना CF में देखना है, ठीक है। ये जो हमारा आंसर आया है 50.5, तो 50.5 हमें CF में देखना है, तो किसके अंदर आएगा, हमारा 9 में भी नहीं आएगा, 19 में भी नहीं आएगा, 40 में भी नहीं आएगा, 67 के अंदर जो है हमारा 50.5 आएगा। तो हमारा जो मीडियन है वो क्या हो गया, 47। तो हमारा मीडियन क्या आएगा, मीडियन हमारा क्या आ गया, 47। ये हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे।